विद्युत जामवाल के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। रिलीज हो चुकी है उनकी फिल्म खुदा हाफिज। फारूक कबीर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा शिवालिका ओबेरॉय, अहाना कुमारा, शिव पंडित और अनु कपूर जैसे स्टार शामिल हैं। और ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड इस फिल्म का ट्रेलर तो लोगों को खूब पसंद आया ही था। अब देखते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। कहानी की बात करें तो खुदा हाफिज की कहानी को किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के खोज के बारे में सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताया जाता है। विद्युत जामवाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर समीर का रोल निभाते हैं, जो नरगिस यानी शिवालिका ओबेरॉय जो कि एक कॉल सेंटर में काम करती है से शादी करता है। साल 2007 और साल 2008 की मंदी के दौरान उनकी हस्ती खेलती दुनिया में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है और वो दोनों अपनी नौकरी खो देते हैं, जिससे उन्हें फिर बाद में विदेश में रोजगार मिल जाता है। इसके बाद नरगिस को एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री के शहर नोमान में नौकरी मिलती है। समीर नरगिस को एयरपोर्ट पर छोड़ता है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक उसे घबराई हुई पत्नी नरगिस का एक कॉल आता है, जिसमें नरगिस समीर को बताती है कि उसका अपहरण किया गया है और वो पुरुष उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं जिन्हें वो जानती नहीं। पति अपनी गुमशुदा पत्नी की तलाश में फिर सीधे नोमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाता है, जिसके बाद समीर नरगिस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करता है इसके लिए देखनी होगी आपको खुदा हाफिज। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक लविंग हस्बैंड के साथ साथ एक एंग्री यंग मैन के वेरिएशन को विद्युत ने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनका किरदार बेहद दमदार नजर आता है और एक्शन में तो विद्युत का कोई सानी ही नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं। विद्युत का एक्शन देखकर आपका पैसा वसूल होगा। वहीं शिवालिका ओबेरॉय स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। हालांकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था वो अपने किरदार से छाप छोड़ती हैं। विलेन इज़ा ग्रेगिनी बने नवाब शाह पर्दे पर बेरहमी लाते हैं, तो वहीं अनु कपूर ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से काफी इम्प्रेस किया है। उनका नोमान एक्सेंट पर जो पकड़ थी वो काबिले तारीफ थी, तो वहीं बाकी स्टार्स ने भी ठीक ठाक काम किया है। डायरेक्शन पर आए तो फिल्म बस यही जरा निराश करती है। इसका टॉपिक तो लार्जर लाइफ है, पर ट्रीटमेंट एकदम एवरेज। स्टोरी लाइन बड़ी ही प्रेडिक्टेबल है, पता लग जाता है कि कहानी और घटनाक्रम किस तरह मोड़ लेंगे। सॉन्ग्स अच्छे हैं, खासकर एहसास की जुबान बन गए आप हमारी जान बन गए सॉन्ग। वहीं नोमान और बैतू सैफ को उज्बेकिस्तान में रिक्रिएट किया गया है, पर वहाँ की खूबसूरती और बंजरपन को कैप्चर कर पाने में सिनेमेटोग्राफर थोड़ा सा चूक गए, लेकिन एक्शन के मामले में कोई कमी नहीं है, उसे डायरेक्टर ने बखूबी दिखाया है। कुल मिलाकर कहे तो विद्युत ने पूरी फिल्म को कंधों पर संभाला है। वहीं इसी के साथ मैसेज भी है एक फिल्म में कि प्यार सच्चा हो तो मंदी हो या कोई और मुसीबत, जी मोहब्बत की होती है। फाइनल वर्ड, विद्युत जामवाल के डाई हार्ट फैन हो और उनका एक्शन पसंद करते हो तो मूवी जरूर देखे, और चूंकि फिल्म ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। हमारी तरफ से खुदा हाफिज को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।